नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के लिए अगला टेस्ट सीरीज। और इससे पहले भी अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो सारे एक साथ वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा किन से संबंधित है? भारतीय पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भारत और बांग्लादेश से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑडी किस देश की कार विनिर्माण कंपनी है? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसके लेख किसने लिखी है? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम या अनीता देसाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माता एवं शिशु स्वास्थ्य विज्ञान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, सानिया मिर्जा या सायना नेहवाल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माधुरी दीक्षित। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? हैजा, डेंगू, मलेरिया या एड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता होगा, ये तो आसान सा है, एडवर्ड संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? कुतुबुद्दीन, फिरदोसी, अलबोरिन या बर्नी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदोसी। अगला क्वेश्चन है, संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर शिला लेखाओं में से किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला है, इंडिका के लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, 1773 में जो है ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक ने जो है वो सती प्रथा कब समाप्त की थी? 1825, 1827, 1829 या 1830? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? फख्शियार, रफी उद दरजात, मोहम्मद शाह या बात की जाए रफ़ी उद दौला? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर्राय या गुरु अंगद? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बात की जाए बहादुर शाह? तो जहांगीर का जो है ये पुत्र था। नेक्स्ट, यहाँ पर चार्ल्स वुड की डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये भी आसान सा है, 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा, कालाहारी, विश्वसनीय रेखीय वन या पंपास? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वसनीय रेखीय वन। नेक्स्ट है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रशांत महासागर में है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा अल्फा क्या है? तो एक तरह की घास का मैदान है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का सर्वाधिक क्षति किसके द्वारा पहुंचता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गजरता 40, प्रचंड 50 और चीकता 60 क्या है? सागरी महासागरीय तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पजन है पवन, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन, प्रशांत महासागर की जलधारा? तो ये है बी ऑप्शन, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन है। कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है दुनिया का, तो ये कौन सा है? साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोस। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलिन? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो आसान सा है, देव प्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर सबरीमाला ये किस राज्य में है? तो ये भी आसान सा है, केरल में है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत किस राज्य की नेपाल सीमा है? नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो आप सभी को पता होगा सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो तीनों देशों से लगती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा आयस, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा आयस। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक जो है उत्पादक राज्य पूछा गया है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तालचेर कहाँ का प्रसिद्ध कोयला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या उड़ीसा। तो तालचेर जो है ये है दोस्तों उड़ीसा का, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार ये होता है उसका स्वास्थ्य और शिक्षा और जीवन स्तर का मानक, ये तीन चीज़ें जो नोटिस की जाती हैं, तो आसान सा था, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो ये था दोस्तों गरीबी हटाओ से, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पांच वर्ष पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा गया है, तो पहला था हार्वर्ड ओवर मॉडल, दूसरा था महान लोमेस मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत आम चुनाव जो है वो कब हुए थे भारत में, तो 1952 में जो है आम चुनाव हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर किसे संविधान का एक पवित्र दस्तावेज कहा, किसने कहा, तो जिसे हम संविधान का पिता कहा जाता है उसी ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर संविधान का कौन सा संशोधन दर बदल कर से है, तो ये भी आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52। किसे भारत के संविधान का संरचक कहा जाता है, तो ये भी आसान सा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है, आयात की गुणवत्ता, आयात की गुणवत्ता, निर्यात की गुणवत्ता, विदेशी व्यापार के गुणांक या भुगतान संतुलन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, विदेशी व्यापार के गुणांक से। टिकाऊ आर्थिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, केवल वर्तमान पीढ़ी का आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास या कृषि विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नाबार्ड किससे संबंधित है, तो नाबार्ड जो है एक तरीके से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो आसान सा था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस देश में लिखित संविधान की परंपरा शुरू हुई, तो सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, तारकुंडे समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों चुनाव से संबंधित, चुनाव सुधार से, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। किसे ने वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव दिया था, तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों एम बी माथुर ने, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पार्थिव ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अक्षय संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, पुष्प सूचक, क्रायोजेनिक संकेत, टेक्टोनिक सूचक या दीर्घकालीन परिवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण नहीं है, गरीबी, सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार या कृषि प्रदूषण, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, बर्मा का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये पूछा गया प्रभावित क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है वो प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, किस सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो डेड सी जो रहता है उसमें पाई जाती है, यानी मृत सागर में, तो ये तो आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। टिकाऊ विकास का आधार क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये सभी जो है वो आधार है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, काला, पीला, लाल, ब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया पता लगाया कि जीव पौधों में जो है वो जीवन होता है, रॉबर्ट कोच, जेसी बॉस, बेंजामिन फ्रैंकलिन या लुईस पाश्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बॉस। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 2, 8, 10 या 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं। सबसे छोटी स्मृति आकार की इकाई पूछी गई है, केबी, एमबी, जीबी या टीबी, तो इसका आंसर हो जाएगा केबी। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, तो 0, 1 होते हैं, यानी 2 अंक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सबसे जो है सुपर कंप्यूटर होता है, ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता जो है वो किसे कहा जाता है, रघुनाथ मालिस्कर, विजय भटकर, जयंत नारहीकर या नंद नीलकड़ी, इसका आंसर हो जाएगा विजय भटकर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, बेसिक, सी, जावा या पेंट ब्रश, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेंट ब्रश। इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, यहाँ पर वह स्थान जहाँ
कंप्यूटर के सहायक उपकरण जुड़े होते हैं किस रूप में जाता है, पोर्ट, रिंग, बुश या जिप? तो पोर्ट जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला पृष्ठ जिसे आप सामान्य रूप से किसी वेबसाइट पर देती हैं उसका नाम पूछा गया है, तो ये होता है होम पेज। आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्वेश्चनों को पढ़ने में, तो आप थोड़ा आराम से शुरू करके भी देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि 2017 विंबलडन चैंपियन के पुरुष एकल के विजेता कौन थे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या एमडी मरे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट यहाँ पर, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या टेबल टेनिस? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 20 अगस्त, 20 सितंबर या 29 सितंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त में। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, 7, 8 या 6? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो टीम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस टीम के विरुद्ध नरेंद्र हिरवानी ने एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये था वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भोपाल में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रानी दुर्गावती ने एमपी के किस क्षेत्र प्रशासन किया, गोडबांडा, महाकौशल या विंध्य प्रदेश या ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा गोडबाना क्षेत्र पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधवा ने किसके नेतृत्व में भारतीय आंदोलन किया था, भीम नायक, कोंडू, करजन सिंह या बिरसा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम नायक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भील जनजाति सर्वाधिक की जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य ने सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन को लागू किया, तो ये किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एमपी की सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में कौन सा फेलोशिप दिया जाता है, श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह या अमृता शेरगिल? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खां। विष्णु चिंचलकर कौन थे, चित्रकार, शिल्पकार, कहानीकार या साहित्यकार? तो विष्णु चिंचलकर ये थे चित्रकार, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संत सिंहाजी एमपी के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो इसका आंसर हो जाएगा निमाड़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमपी पशु चिकित्सा पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है, महू, जबलपुर, सागर या रीवा? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा गया है, खेल, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक क्षेत्र, सेवा, संगीत या पत्रकारिता? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुद्रा छपाई कहाँ होती है, तो मुद्रा छपाई होती है देवास में, और सुपरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूबगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो ये सतपुड़ा रेंज में पड़ती है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, बिखरे मोती के लेखक कौन है, तो ये है सुमित्रा कुमारी चौहान, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश से नौकायन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, तो नौकायन के क्षेत्र में जो जीता था वो GL यादव ने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछी गई है, ऑप्शन है यहाँ पर जानो ताइवे, करोलिना मिकेलसन, वेलेंटिना टेरेस्कोवा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जानो ताइवे। अगला क्वेश्चन है, क्या मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि तीव्रता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महासागर की गहराई। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन अनुसंधान संस्था की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है, बैतूल, जबलपुर, इंदौर या मंडला? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, दूर की वस्तुएं, आसन्न वस्तुएं, छोटी वस्तुएं या माइक्रो और आसपास की वस्तुएं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वभौमिक दाता को हो सकता है, तो सार्वभौमिक दाता होता है ओ निगेटिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। सार्वभौमिक ग्राही पूछे जाए तो ए भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दूध के घनत्व को किससे नापा जाता है, तो आसान है, लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर, हाइगोमीटर, लापोलीमीटर या सिस्मोग्राफ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो आसान सा है, पेनिसिलिन की खोज की थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्ष का सबसे लंबा दिन पूछा गया है, 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर या
25 सितंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट है यहाँ पर SBI यूनो कृषि ऐप ने सभी कृषि उत्पादकों की ऑनलाइन डिलीवरी प्रदान करने के लिए किसके साथ एकीकृत किया, इफ्को बाजार, नाबार्ड, फ्लिपकार्ट या नफेड, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ्को बाजार से साथ। अगला क्वेश्चन है जिसमें भारत सरकार द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली के उत्कृष्टता केंद्र IIT संस्थान स्थापित किया जाएगा, दिल्ली, चेन्नई, पटना या खड़गपुर, तो ये किया जाएगा खड़गपुर में। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने वह किस पार्टी के थे, तो ये थे डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक पार्टी के थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कमरा हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उपाध्यक्ष होंगी, तो ये कौन से नंबर की होंगी ये पूछा गया है, 40, 47, 49 या 51, तो 49। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक डैश को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों का संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में चुना गया, तो ये कौन है ये पूछा गया है, तो वेदिशा मेहत्रा जो है इनका नाम है। रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है, 12 जून, 12 अगस्त, 8 नवंबर या 12 मार्च, तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में भारतीय डायस्पोरा के साथ किस वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर विवाद विमर्श किया, दूसरी, थर्ड, चौथी या पांचवी, तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने 9 दिसंबर 2020 को वाराणसी के किस घाट को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखा, दशाश्वमेध घाट, खिदकिया घाट, अस्सी घाट या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है जहाज रानी मंत्रालय का नाम क्या है, पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय, पोर्ट और जल मंत्रालय, पोर्ट जहाज रानी और राजमार्ग मंत्रालय या पोर्ट शिपिंग और राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोर्ट और जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय जो है वो बात की जाए तो जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।